जाटी राजा सिंह के घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। जमानत याचिका कल हाईकोर्ट में सुनवाई है उसके खिलाफ, और उससे पहले टी राजा के घर की बाहर की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया। वहां की तस्वीरें जरा आप देखिए, भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर की गई है टी राजा सिंह के घर के ठीक बाहर, क्योंकि राजा सिंह के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया गया था धार्मिक भावनाओं को आग करने का, उसमें गिरफ्तारी हुई और अदालत से उसके बाद जमानत भी मिली। हमारे सहयोगी कुंदन लगातार हमारे साथ बने हैं। कुंदन, क्या तस्वीरें इस वक्त है राजा सिंह के घर के बाहर की, जरा बताइए आप। देखिए, दो बड़े मामले हैं। कल फ्राइडे को जुम्मे की नमाज पे पुलिस को आशंका है कि हो सकता है कि एक बार फिर पूरे इलाके में अशांति बढ़े और जिससे लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से मुश्किल हो सके, शायद यही वजह है कि इसको मेंटेन करने के लिए। और दो बड़े और मामले हैं राजा सिंह पे, रामनवमी के दौरान जिस तरीके से मामले हुए थे, हालांकि वो पुराने मामले हैं जिनको पुलिस ने रिसेंटली नोटिस दिया है और उनपे जांच में शामिल होने की बात की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि राजा सिंह की गिरफ्तारी हैदराबाद पुलिस की तरफ से कर दी जाए, जिससे जो एक स्क्रिप्ट बना हुआ है उसको रिलीज करने की कोशिश होगी, क्योंकि ये गिरफ्तारी होने के बाद सबसे ज्यादा जो मांग की जा रही थी, जो विरोध किया जा रहा था, उसी बात पे किया जा रहा था कि जिस तरीके से राजा सिंह अभी भी घूम रहे हैं और पुलिस उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और ये वजह है कि पुलिस की जो सुरक्षा है उनके घर के आसपास बढ़ा दी गई है, और हो सकता है पुलिस उनको गिरफ्तारी करने के लिए जब दबिश डाले सो आसपास के लोगों की तरफ से कोई विरोध ना हो या कोई अप्रिय और शांति पूर्वक घटना ना हो, इसीलिए पुलिस ने हैदराबाद पुलिस के दो तीन कम से कम आधे दर्जन थानों के जो लोग हैं और हैदराबाद पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनकी वहां पे तैनाती की गई है। दुल्लमपेट का इलाका है और यहीं पे इनकी तैनाती की गई उनके घर के पास में। बिल्कुल कुंदन, मुझे ये भी बताइए कि राजा सिंह की जमानत को लेके विरोध में लोग अब क्या कर रहे हैं हैदराबाद में, क्योंकि कल देखा गया कि जगह जगह पर भीड़ इकट्ठा हुई, उसको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। हैदराबाद उनके जमानत को कैंसिल करने के लिए, एक तरह से कैंसिल करने के लिए आज पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में एक अप्लीकेशन मूव की गई है और ये कहा गया है कि उनको लेकर एक तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, इसीलिए आप उनको जमानत रद्द कर दी जाए। तो मुझे लगता है कि अब उनके घर के आसपास की जी बिल्कुल शुक्रिया आपका कुंदन, आपका आप तो जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।